सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ 10th स्टैंडर्ड का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसका वन शॉट आईएमपी। तो डोंट मिस दिस वन शॉट आईएमपी, क्योंकि ये आपके यूनिट टेस्ट सेमेस्टर और आपके बोर्ड्स के एग्जाम तक बहुत ज्यादा ज्यादा काम आने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद ग्रेविटेशन का वन शॉट आईएमपी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स के बारे में। फोर्स के दो काम कभी जीवन में मत भूलना। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है, मतलब स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। तो ये दोनों बात यहाँ पे लिख रखी है और इसको मिस मत करना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना। व्हाट फोर्स कैन डू? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। दिस टू थिंग मस्ट रिमेंबर। सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट ने वन शॉट आईएमपी का सीरीज शुरू कर दिया है, तो बोल देना दोस्तों को, छाड़ जाओ भाई फटाफट चैनल पे आके, ठीक है ना, लाइक जरूर कर लेना वीडियो को। नेक्स्ट बात करेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डेफिनेशन बार बार पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किस उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कैसा मोशन कर रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लगा कहाँ लगेगा? वो सेंटर के तरफ लगेगा। बात समझ में आया? मस्ट रिमेम्बर दिस डेफिनेशन। आगे बात करेंगे जो मून है, जो मून है, जो हमारा मून है, जो अपना मून है, जो अपना चंदा मामा है, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मतलब हमने बहुत सारे सैटेलाइट अर्थ के बाहर किसी पर्टिकुलर दूरी पे छोड़ रखी है कि वो अर्थ की प्रदक्षिणा करके हमें इंफॉर्मेशन दे सके समय समय पे। किसकी इंफॉर्मेशन दे सके? वेदर की इंफॉर्मेशन दे सके, आने वाले प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन दे सके, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प कर सके, कम्युनिकेशन में हेल्प कर सके। बट उसी तरीके से मून भी एक तरह का सैटेलाइट है, बट वो भगवान ने, कुदरत ने बनाया हुआ सैटेलाइट है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, अपना अपना पर्सनल मून है वो, ठीक है ना। मून मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमता है? तो उसके पीछे का कारण आपको पता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन द मून एंड अर्थ। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रेम है उन दोनों के बाद में, जो सद्भावना है दोनों के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रेम है, प्यार है, उसी प्यार की वजह से मून हमारा अर्थ के अराउंड क्या करता है? चक्कर काटते रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम कैप्लर्स लॉ के बारे में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। देखो कैप्लर्स लॉ पे क्वेश्चन आना मतलब आना है, कभी ना कभी तो आना है। देखो पहला कैप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो आपको समझ, देखो कॉन्सेप्ट में पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको आईएमपी दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँ, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए हर चैप्टर वाइज टेस्ट बनाऊँ, टेस्ट तो, और उस टेस्ट का फिर दूसरे वीडियो में सोल्यूशन दो, ऐसा सब कुछ चाहते हो तो कमेंट करके बताओ यार। कमेंट करोगे तो लगेगा डिमांड है, ठीक है ना। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज द इलिप्स विद द अर्थ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब समझते हैं कि जिस ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहा है, वो जो ऑर्बिट, जो रास्ता है, वो रास्ता कैसा? अंडे जैसा, जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलिप्स। ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है, दैट इज द इलिप्स। और सन कहाँ है? जैसा सर्कल के अंदर सेंटर होता है, सर्कल का अपना सेंटर होता है, वैसे इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। ये पहला फोकस है और यहाँ एक दूसरा फोकस होता है। तो उन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे अपना सन रहेगा। तो क्या बोल रहा है? ऑर्बिट इलिप्टिकल है, जहां पे हमारा कौन घूम रहा है? प्लेनेट घूम रहा है, और सन किसी एक फोकस के ऊपर है। केप्लर के सेकेंड लॉ की बात करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि ये हमारा प्लेनेट है और ये हमारा सन है, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। और मान लो टी टाइम के बाद हमारा प्लेनेट यहाँ आ गया, तो अब लाइन भी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो इतने समय में लाइन ने कितना एरिया कवर किया? आप देख पा रहे हो, इतने समय में लाइन ने ये वाला एरिया यहाँ पे क्या कर दिया? कवर कर दिया। लुक एट दिस, ये वाला एरिया लाइन ने कवर कर दिया। अभी यही बात अगर हम और किसी समय पे किसी दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, लेट्स से अब हमारा प्लेनेट यहाँ पे है और सन यहाँ पे, दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं, और जितना टाइम यहाँ टी दिया था उतना ही टाइम हम टी देते हैं और प्लेनेट हमारा यहाँ आ गया। अब जब प्लेनेट यहाँ आया तो ये लाइन यहाँ आ गई और इस लाइन ने अब ये वाला एरिया कवर किया। अब अगर इन दोनों एरिया को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, दिस बोथ एरियाज लुक डिफरेंट, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका लेंथ ज्यादा है और उसका विड्थ ज्यादा है। तो जब मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो बोथ एरिया विल कम
एस इक्वल दोनों एरिया क्या आ जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। तो सेम समय पे जो लाइन है प्लेनेट और सन के बीच में वो सेम एरिया कवर करती है, ये अपना केपलर का सेकेंड लॉ बोलता है। ये बात समझ में आ गया। केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, स्क्वेयर। स्क्वेयर मतलब ऐसा वाला स्क्वेयर, किसका स्क्वायर, पीरियड। पीरियड्स का मतलब होता है कितना समय लगता है किसी भी प्लेनेट को सन के अराउंड घूमने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड्स, ठीक है ना। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, मतलब क्या, क्यूब मतलब पावर थ्री। किसका पावर थ्री, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट टू द सन। मतलब क्या कि जो समय प्लेनेट को लगता है उसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा क्यूब ऑफ रे, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट टू द सन, कि प्लेनेट से लेके सन तक का मीन दूरी कितना है उसके डायरेक्ट। जितना ज्यादा ये दूरी रहेगा उतना ज्यादा ये समय लगेगा, सिंपल भाषा में अगर हम ये बताए तो, ठीक है। दिस इज केपलर का तीसरा लॉ। अब बात करेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को डिफाइनाइट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए मेरे को, गलत बता रहा हूँ मैं, एक दूसरे को डिफाइनाइट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ये बात को समझना है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और वो जो फोर्स होता है वो दोनों मासेस के, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लीकेशन के, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात तो, ठीक है ना। एंड टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये जो फोर्स है उस, वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब वो दो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को डी से लिखते हैं, वो दो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स उनके दूरी के, उनके डिस्टेंस के, उनके बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे फोर्स का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे दोनों बॉडी का जो मास है उस मास का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वहां डायरेक्टली है और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वही फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान रखना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, जी एम वन एम टू अपॉन डी का स्क्वायर। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी मास को हम डबल करते हैं तो हमारा फोर्स भी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो हमारा फोर्स फैक्टर फोर्स से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब फोर्स एफ था ना, तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो मेरा फोर्स अब एफ ना होके फोर्स का वैल्यू एफ बाई फोर हो जाएगा। मतलब समझाता हूँ कि मान लो पहले फोर्स 16 था और हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डिस्टेंस को डी ना करके 2 times d कर दिया, तो अब मेरा फोर्स 16 ना होके 4 गुना घट जाएगा। मतलब 16 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब मेरा जो फोर्स होगा वो 4 न्यूटन हो जाएगा 16 न्यूटन से, ये बात को ध्यान रखना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट जो जी का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, लुक एट दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इस जी का यूनिट एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी पावर -2, एंड इसका वैल्यू अगर बात करूंगा दिस इज द वैल्यू दैट इज 6.673 × 10^-11, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। नेक्स्ट पहली बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, जो केपलर का लॉ है अपना, केपलर का तीसरा लॉ क्या था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्या था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड अपॉन क्यूब ऑफ डिस्टेंस मीन डिस्टेंस, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये अपना केपलर का तीसरा लॉ था। इसी केपलर के तीसरे लॉ के मदद से न्यूटन ने अपना लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, बात को ध्यान रखना, इसी लॉ के मदद से न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बनाया। इसके पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी, बराबर, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देखा था, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मत भूलना, वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। मतलब क्या समझते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट सर्कल सर्कल गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल रानी ऐसा गोल घूम रहा है, ठीक है ना। अब ये सर्कल, ये जो गोल घूमेगा तो इसका स्पीड भी रहेगा, और जिस सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस आर होगा, बराबर, और इस ऑब्जेक्ट का मास एम होगा, तो उस समय पे इस ऑब्जेक्ट को सर्कल सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घूमने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा एम वी का स्क्वायर अपॉन आर, और ये फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ये एम बी स्क्वायर बाय आर, ये जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा ये कौन पूरा करेगा, ये डिपेंड करता है। अगर ये गाड़ी गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पे जमीन और गाड़ी के बीच में, टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ये फ्रिक्शन फोर्स ये एम वी स्क्वायर बाय आर वाली वैल्यू प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ये बात समझ में आया आपको, ये बोलना, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड
व्हाट वी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एमवी स्क्वायर बाय आर। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझे तो यू नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस घूमता है? 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, याद है आपने बचपन में पढ़ा है। और नीचे क्या दे रखा है? टाइम टेकन। टाइम कितना लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट पर कंप्लीट एक सर्कल मारता है तो उसको लगने वाले टाइम को क्या बोलते हैं अपन? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर 2 पाई आर अपॉन टी, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा एफ, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया? 2 पाई आर अपॉन टी। यहाँ पे देखो 2 पाई आर अपॉन टी डाल दिया। जब मैं स्क्वायर वगैरह करूंगा तो आपको कुछ ऐसा फाइनल ऐसा आपको मिलेगा। देखो आपको ऐसा कुछ मिला, ठीक है ना? अब आप अच्छे से इसको देखो, लुक एट दिस। ये क्या था? आर क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर। अभी हमने देखा कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हमारा के बराबर होता है, तो आर क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर क्या होगा? हमारा 1 बाय के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमने के लिख दिया क्योंकि वो 1 बाय के बराबर आया, ठीक है ना? अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, लुक एट दिस। एफ इजिकल टू एफ का वैल्यू क्या आया? 4 m π² / r² / k। देखो 4 m π² / k, ये जो वैल्यू है किसी भी एम मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, सही है ना? किसी भी एम मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो किस पे डायरेक्ट, किसके किसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये पूरा टर्म हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। तो कहने से दैट जो फोर्स जो लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम पे क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, तो ध्यान रखना। कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल को भी जरूर आप चेकआउट करना, वो भी बहुत आईएमपी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड इस सेंटर, मतलब जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मास का कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ है और अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ लगेगा, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर पे ही प्रेजेंट है, ये बात को समझना। सिमिलरली व्हेन द थ्रोन अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड दिस फोर्स ट्राई टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस द वेलोसिटी। मतलब क्या कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो पत्थर जैसे जैसे ऊपर जाता है कुछ समय के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको कहाँ खींच रहा है? अर्थ उस ऑब्जेक्ट को सेंटर के तरफ खींचते रहता है, बात समझ में आया? और एक समय के बाद उस ऑब्जेक्ट का स्पीड धीमा हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के वापस सेंटर के तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट को भी आप लोग एक बार रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मून एंड सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। इफ द वेलोसिटी वॉज नॉट देयर दे वुड बी फॉलन ऑन द अर्थ। मतलब क्या बोला गया है कि मान लो कि अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये हमारा अर्थ है और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, और अगर उस सैटेलाइट का जो स्पीड है वो अगर हम जीरो कर देते हैं तो वो सैटेलाइट सीधा का सीधा अर्थ के ऊपर क्या कर जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। यहाँ पे जब तक सैटेलाइट के पास स्पीड है तब तक वो घूमते रहेगा, जैसे उसका स्पीड जीरो हुआ वो सेंटर के तरफ गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड होने की वजह से उसके ऊपर एक बाहर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे सैटेलाइट को एक पॉइंट पे या एक सिचुएशन पे ऑर्बिट में बैलेंस बना के रखता है। लेकिन जैसे स्पीड जीरो हुआ भैया जी अपना सैटेलाइट अर्थ के ऊपर धाम करके गिर जाएगा। सैटेलाइट हो या मून हो, मून भी हमारे अर्थ के ऊपर गिर सकता है जिस दिन उसका स्पीड धीमा हो जाएगा, ठीक है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब अर्थ के वजह से आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अर्थ की वजह से आने वाले एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको ए से नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं जी से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट रिजल्ट एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस एक्सेलरेशन अगर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आ रहा उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से लिखते हैं, वो अर्थ के सेंटर के तरफ लगता है हमेशा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। मतलब अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के ऊपर वापस जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, ये ध्यान रखना। नाउ
जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है वो तो सबको पता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू एवरेज होता है 9.77 होता है, कभी कभी इसको अपन 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करके भी संबोधित करते हैं। अगर हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ द जी, मतलब जी का वैल्यू बदलते रहता है, मतलब जैसा मैंने बोला 9.77 होता है, ये वैल्यू अर्थ के अलग अलग जगह पे बदलता है। कैसे? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ द जी अर्थ के अलग अलग सरफेस पे क्या होगा, बदलते रहेगा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द जी दस द हाइएस्ट, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है पोल के ऊपर, जो वो होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू सबसे कम होता है, लोवेस्ट होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेटर के ऊपर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो वैल्यू ऑफ जी सरफेस के हिसाब से बदलता है, और वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट होता है पोल के ऊपर, और वैल्यू ऑफ जी लोवेस्ट होता है इक्वेटर के ऊपर। अभी बात करेंगे कि चेंज विद द हाइट, मतलब अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी बदलते जाएगा। तो जैसे जैसे जाएंगे तो आर का वैल्यू बदलेगा, रेडियस बदलेगा, तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे डेप्थ, मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, खड्डे में जाएंगे, जैसे कूद के जाएंगे खड्डा, वैसे वैसे हमारा वैल्यू ऑफ जी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप मत भूलना, यहाँ पे आपको अलग अलग हाइट पे जी का वैल्यू क्या क्या होगा वो आपको दे रखा है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट मास एंड वेट का डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डिफाइन करने आपको आना चाहिए। मास एक तरीके का क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर समाया हुआ है उसको हम मास बोलते हैं। मास अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमेशा सेम होता है, अर्थ के ऊपर क्या, दुनिया में कहीं पे चले जाओ यूनिवर्स में मास हमेशा सेम होगा, लेकिन वेट हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है, और वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, जी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी सब इसका डिफरेंस वगैरह आप अच्छे से पढ़ के रखना। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, इस पेज के ऊपर लास्ट पेज है मेरे हिसाब से। यहाँ पे फ्री फॉल का डेफिनेशन जरूर याद करना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर छोड़ दे, अर्थ के ऊपर लेके जाके छोड़ दे, तो वो जब नीचे गिरेगा किसके वजह से गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से, उस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाके रिलीज करते हैं तो उसका जो इनिशियल स्पीड, शुरुआत का स्पीड उस पॉइंट पे जीरो होता है, और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाता है जी के वजह से, किसके वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से, ठीक है ना। और जब फ्री फॉल कंडीशन में हम लोग काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे 9th में वगैरह उसको अप्लाई करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे यू हमारा जीरो हो जाएगा और ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जी से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वी इज इक्वल्स टू जी टी। ऐसा क्यों होता है, जी क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ के वजह से लगता है, और अर्थ के वजह से वाले एक्सेलरेशन को अपन जी से लिखते हैं, बराबर, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्मली हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ जी भी अर्थ के ऊपर प्लेस टू प्लेस बदलता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, तो यहाँ पे अर्थ के, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी के जो भी ग्रेविटेशनल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कवर कर दिए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, बट आप कमेंट करके बताना है कि क्या आपको हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट सीरीज चाहिए, वो साइंस हो या मैथ्स हो, क्या आपको आने वाले यूनिट टेस्ट, आने वाले सेमिस्टर एग्जाम, आने वाले बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करके चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पेपर चाहिए, कमेंट करके बताना है। वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को ऐसे ही आपको सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।